Super excited, always excited to be with ZEE because ZEE is home for me. ZEE is family. I started here. And also, this bar ka event ZEE Rishtey bahut zyada special hai. 5 din ka full on fat Indian wedding ki tarah hone wala hai. To aaj roka manane aayi hu. It's beautiful. I think the thought awards bahut hote hai, har jagah hote hai, but the thought this year jo ZEE leke aaya hai, rishte jodne ka, rishte nibhane ka, isse pyara aur kuch nahi ho sakta ki aap real life couple ka ek rishta jod rahe hain, unko shaadi ke bandhan mein bandh rahe hain. I think it's beautiful and it's a great thought. Thank you so much. roka hai to socha zyada jhatak patak shaadi ke liye chhod du. So I won a plazo sari. It is sari cum plazo, which is comfortable for people like me who are too fidgety moving around. And I've done a lot of makeup this time. नए कपल के लिए यही विशेष होंगी जो जी कहता है रिश्ते निभाएं प्यार से निभाएं थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है but बहुत important होते हैं. That was Neha, then it was Oishi. जी मैं बहुत excited हूँ यार because ZEE Rishtey में हर बार भी बहुत मजा आता है. This is my 5th year, पांचवा साल है मेरा ZEE Rishtey में. तो it's great है because सारे shows के लोग होते हैं साथ में and everyone's meeting, talking, chatting, having fun. So it's nice. जी बहुत ही अच्छी चीज़ है यार. किसी की शादी हो रही है पहली बार किसी अवार्ड शो में तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड दे आर नॉट इवन सेलिब्रिटीज दे आर नॉर्मल पीपल हु आर गेटिंग मैरिड ओवर देयर सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड थिंग यार. मुझे पता नहीं था रोका है मैं ऐसी आ गया हूँ बस बट अभी रोका है तो मैं रोके के मूड में आ जाऊँगा. मैं बैचलर्स के मूड में आया था. जी सबको नॉमिनेशंस यार इट फील्स ग्रेट इट विल इफ आई एम नॉमिनेटेड आई थिंक इट्स ग्रेट एंड माय फ्रेंड्स मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड माय कास्ट को एक्टर्स मस्ट बी नॉमिनेटेड सो आई थिंक सब जीतेंगे अच्छा लगेगा. नए कपल के लिए ऑल द बेस्ट हैव अ सक्सेसफुल मैरिज हैव अ नाइस मैरिज एंड have fun yaar. I think it's a great thing that they guys are getting married on ZRA during ZRA so bahut hi achhi cheez hai and all my love and wishes to them best wishes. I'm quite excited क्योंकि मैं टी वी में बहुत अभी 2.5 साल से ही फुल टाइम आई हूँ तो दिस इज़ वन ऑफ माई से बेस्ट शोज दैट आई एम डूइंग लाइक बेस्ट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. आई रियली लव दिस कैरेक्टर एंड
I'm really excited because as I've been informed ki mujhe best saas ke liye, you know, like I've been nominated, so I'm like really excited. No, I'm not a great fan of Big Boss. I've heard a lot of stories. Anoop ji ke liye meri bahut matlab mujhe kafi respect hai kyunki wo bahut itne great singer hain aur itne saalon se hain aur sab koi unhe respect karte hain, but it came as a shock to me ki he's got a girlfriend who's like much younger to him, like 37 years old. So I was like, oh wow. So okay, I mean, it's his choice, so I don't want to comment anything. So that's all. That's all. Thank you. They'll cover you. Thank you. जी थैंक यू सो मच. सो मेरा लहंगा मेरी स्टाइलिस्ट तृप्ति मैम ने दिया है एंड इट्स प्रिटी अमेजिंग. पिंक इज ऑलवेज इन, तो पिंक कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है, पिंक इन ब्लैक. तो पिंक इन गोल्ड, सो इट्स लाइक रोके का फंक्शन है, थोड़ा चमक धमक भी ज़रूरी है. सो आई एम लविंग दिस कलर एंड लविंग दिस आउटफिट. जी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कंसेप्ट है बिकॉज यूजुअली अवार्ड फंक्शंस में बेसिक अवार्ड फंक्शंस होते हैं, हाँ अवार्ड दिया, सब कुछ किया, डांस किया, पर इस बार ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक कॉमनर की शादी करवा रहे हैं और ज़ी रिश्ते हैं, तो सबसे बड़ा रिश्ता हमारा शादी के थ्रू ही जुड़ता है. तो किसी कॉमनर की शादी कराना इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो शादी करा रहे हैं और शादी की तरह हम इसको इन्जॉय भी कर रहे हैं. संगीत फंक्शन और आज रोका है, तो पंजाबी टिपिकल जैसे वेडिंग होती है, बिग फैट वेडिंग जैसी फील आ रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड रेडी टू डांस. जी जी एक्चुअली ऑनेस्टली बोलो तो आई एम प्रिटी बिजी शूटिंग 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 ऑल द टाइम फॉर यू गाइज एंड बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बिग बॉस देखने का, बट आई लव सलमान खान एंड दैट्स ऑल आई एम गोना से बिकॉज आई डोंट वॉच बिग बॉस दैट मच. बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स बिकॉज दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट अवार्ड, ज़ी रिश्ते अवार्ड फर्स्ट फंक्शन. सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड एंड आई होप नॉमिनेट हो हम फॉर द बेस्ट जोड़ी एंड आई एम डेब्यूइंग हियर, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. थैंक यू. Thank you.
done pictures on 7 miles. Hi. Riya. Yeah. Hi. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया सदस्य हूँ इस परिवार ने मौका दिया अपने साथ आने का वेरी एक्साइटेड जी जी यार अच्छी बातें हैं मतलब एक मौका मिला है इतने सारे लोग इतना बड़ा चैनल इतना पुराना चैनल एक पूरा परिवार मिलकर एक कपल की शादी करा रहा है तो जब दो परिवार मिलकर शादी कराते हैं तो प्यार मिलता है जब इतना बड़ा परिवार मिलकर शादी करा रहे हैं तो क्या ही बात है थैंक यू सो मच थैंक यू मैं अपनी डिज़ाइनर को बोलना चाहूँगा सुगंधा सूद मैं बहुत एज पे रहता हूँ लास्ट मोमेंट मैं सहबान रिम्स हम सब शूट कर रहे थे और मैंने आई कॉल्ड माय डिज़ाइनर उन्होंने प्लीज़ कुछ कर दो एंड देन दिस इज जी जी ही इज़ किलिंग इट ही इज़ किलिंग इट वो हम लोग को और रियलाइज़ करा रहे हैं कि फॉर एवर अलोन का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ मेहनत करे जा रहे हैं और वो मेहनत करे जा रहे हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच इधर आ जाओ हेलो पीपल हेलो 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 या यार आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग ज़ी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है दो लोगों का रोका करा रहा है उनकी शादी करा रहा है मतलब किसको मतलब मुझे लगता है मुझे भी ज़ी को अप्रोच करना चाहिए मेरा भी रोका करा दो भाई मतलब कुछ तो करा दो यार तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग वेरी गुड इनिशिएटिव बाय ज़ी और आई एम एक्साइटेड टू सी देम आई हैव टू मीट द कपल ऑल्सो तो देखते हैं कुछ मज़ा आने वाला है बहुत सारे दोस्त भी होंगे बहुत सारे लोग होंगे और एक रोका हो रहा होगा दो लोग मिल रहे हैं इससे अच्छा क्या हो सकता है इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग हाँ जी मुझे बोला गया तैयार होने के लिए कमाल मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके लिए कोई चिट्ठी भेज दो कोई चिट्ठी में लिख दो कि मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत अच्छा गाते हैं यार वो उनकी भजन और इनके बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग और बिग बॉस में वो अलग दिख रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो यार बहुत सही है ये तो हाउ नाइस इज़ दिस तो आई एम एक्साइटेड टू सी अनूप जलोटा इन बिग बॉस आई डोंट यूजली वॉच बिग बॉस बट अनूप जी के लिए मैं ज़रूर देखूँगा थैंक यू ज़ी इज गोइंग डूइंग वेरी वेल सो और सारे बहुत व्यूअर्स है उसके तो
और अभी मैं कहीं बाहर गई थी तो मुझे इतना सारा फैन फॉलोइंग था, तो मुझे लगता है कि ZEE इज डूइंग वेरी वेरी वेल. I'll congrats them, that's it. it's unique, it's nice. Yeah, thank you. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ऑफ कोर्स हमने छुट्टी ली थी आज के लिए कि हम अच्छे से तैयार होकर के आए एंड ड्रेसेस मेकअप एंड एवरीथिंग इज लाइक प्रिपेयर्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी नाउ. फ्रॉम नाउ ऑन वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ZEE फैमिली. ऑफ कोर्स शी हैज बीन बिफोर बट देन वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ZEE रिश्ते थिंग. दिस रोका थिंग इज अमेजिंग कि एक अवार्ड में ही ये रोका है. सो विच इज वेरी डिफरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अवार्ड थिंग. सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट. या इंडियन वेयर था तो हमने ये नहीं सोचा कि सूट पहनते हैं. लेट्स वेयर समथिंग इंडो वेस्टर्न एंड सबने डिफरेंट डिफरेंट पहना हुआ है. साड़ी या सलवार कमीज बहुत नॉर्मल हो जाता तो हम लोग ने सोचा थोड़ा सा उसको डिफरेंट करते हैं. आज खूबसूरत लगने के लिए हमने हमारे शूट से छुट्टी लेके रखी थी. एग्जैक्टली. ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, बिग बॉस मैंने देखा था, फॉलो नहीं किया. उनके बारे में पता नहीं बट मेरी बहुत अच्छी दोस्त नेहा पेंट से है, उसमें उसको बहुत फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम लविंग हर, शी इज द बेस्ट. वो जीत के आएगी एंड होप दिस सीजन बी एज गुड एज द प्रीवियस सीजन. सो थैंक यू, बाय. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये शायद ZEE ने पहली बार अवार्ड से पहले इस तरह की चीज़ें कंडक्ट की हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और हम सब जो है हमारे शो के लोग इकट्ठा हुए हैं तो थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे तो अच्छा लगेगा. जी जी, हम सब मेहमान बन के आए हैं, खूब धमाल मचाने वाले हैं. देखिए, नॉमिनेशन एक्साइटेड तो रहते ही हैं हमेशा. ऑफ कोर्स एक्टर को अच्छा लगता है जब उसको अवार्ड मिले, नॉमिनेट हो तो ये अच्छा. मतलब हम भी सोच रहे हैं कि हमारे शो में से भी कुछ लोग नॉमिनेशन में जाएंगे. जी, मैं तो नहीं कर रही हूँ. हाँ, मुझे तो मौका ही नहीं मिल पाता है देखने का. हम लोग जब तक पहुंचते हैं बिग बॉस ख़त्म हो चुका होता है तो हम लोगों ने, मैंने तो देखा नहीं. थैंक यू. मैं
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट ईयर इन ज़ी रिश्ते और हम बहुत नए सदस्य हैं ज़ी के बिकॉज हमारा शो अभी अभी आया है. मैं आई एम रियली एक्साइटेड. हम एक बहुत नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं. हम किसी की हम ज़ी की बेटी की शादी करवा रहे हैं. सो आज जो का सेरेमनी है सो इट्स गोना बी फन. सबसे मिलने मिलेगा, नए नए दोस्त बनेंगे एंड इट्स गोना बी फन. लुक के बारे में आई ट्राइड टू कीप इट रियली एलिगेंट लाइक यू नो. और मैंने अपने बाल बांध दिए ताकि मुझे ज़्यादा यू नो परेशानी ना हो एंड या दैट्स इट. क्या सॉरी बिग बॉस? यस मैं बिग बॉस देख रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी लॉयल. माय फैमिली एंड आई वी आर वेरी लॉयल टू बिग बॉस. मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी. नो कमेंट्स. थैंक यू सो मच. हेलो, कुछ बोल रहे थे माइक पे? जी अग्रवाल खानदान से अफोर्ड कर सकता हूँ. तो हाँ, कुछ बोलना चाहोगे सर आप? क्यों, कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं. हाँ तो हाँ, हम सब थोड़े नीचे थोड़े नीचे, हम सब तैयार हैं नॉमिनेशन के लिए. और कौन जीतने वाला है? ये कॉन्फिडेंट है कि जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? ये जीतने वाली है. मैं माइक पहले इतनी जोर से. अच्छा, माइक वापस रखना पड़ेगा. माइक वापस रखना पड़ेगा. अभी बोलो क्या बोलना है. जी पूछिए. जी ऑनेस्टली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कहने के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ज़ी परिवार के सदस्य हैं, हम सब जो हिस्सा बने ज़ी परिवार का, एक तरफ से हर एक इंसान एक तरफ से नॉमिनेटेड है ही, क्योंकि कोई आई मीन टीवी पे किरदार निभाना, एक्टिंग करना आसान बात नहीं है. तो मुझे कहने के लगता है कि एवरी वन डिज़र्व्स एन अवार्ड, भले नॉमिनेट हो या ना हो. किसके बारे में? जी फिलहाल ऐसा लग रहा है मेहनत में अभी नीचे ऐसा लग रहा है मेहनत में अभी कर रहा हूँ दोनों को उठा के. बट ये मेरे शूज़ हैं और ये मेरे कोल्हापुरीज एंड इज गोइंग विद द इंडो वेस्टर्न लुक. प्लान वही है. जी मैं नहीं देखता बिग बॉस. थैंक यू. चलो नॉमिनीज़ को मैं गाने के ज़रिए इंडिकेट करूँगा. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये ज़ी रिश्ते अवार्ड नॉमिनीज़ के लिए मुझे बुलाया गया है और मुझे परफॉर्म करने को कहा गया है. तो मैं अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए नॉमिनीज़ को इंडिकेट करूँगा. अच्छा, ये बहुत सरप्राइजिंग है. तो मैं एक बार गा दूँ? मैं अपना गाना गा देता हूँ जो तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में जब मेरी आरज़ू आती है मेरी सांसों की गर्म खुशबू जो तेरी सांसों को महकाती है. My heart goes dum 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 dum. मैं क्या करूं? I love you all. Thank you. जी मैं खुद बिग बॉस में था और ऑलमोस्ट 10 weeks मैं बिग बॉस में था. तो ये एक क्या बोलूँ, पेड हॉलीडे है, बहुत मज़ा आता है और सब गप्पे मारते हैं. अनूप जलोटा जी तो अच्छे इंसान हैं, मैं जितना जानता हूँ.
बट आते ही जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है तो इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है, देखते हैं आगे आगे कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं अपने प्यार में और जो भी लोगों को पता है और सामने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। रोका होने वाला है जी की बेटी का, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मुझे लगता है कॉन्सेप्ट कि यू नो जी एक एक्चुअल रिश्ता बनाने जा रहा है। लेकिन हम लोग बोलते हैं हमारे चैनल पे कि हम आज लिखेंगे कल, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग किसी का कल सजा के उसको दे रहे हैं गिफ्ट में। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड बाकी आई थिंक वी आर गोना हैव अ ग्रेट नाइट, अ ग्रेट पार्टी एंड एवरीबॉडी विल बी देयर टुगेदर एंड वी विल ऑल चीयर द कपल। हाँ जी, आज का लुक हमारा है इंडियन एथनिक एंड दरअसल ये मौके बहुत कम मिलते हैं हमको इतने अच्छे कपड़े पहनने के इंडियन एथनिक, मतलब हम लोग यूजुअली सेट के बाद अपने कंफर्टेबल क्लोथ में ही रहते हैं एंड बट या आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, एवरीबडी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम ऑल द गाइज एंड इट्स जस्ट अ ग्रेट इवनिंग। नहीं, मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ एंड मौका नहीं मिलता बिकॉज हम लोग जितना शूट करते हैं हमें टाइम मिलता नहीं है, बट आई होप टू कैच अप ऑन द मीडिया ऑन द यू नो सोशल मीडिया, आई ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है उसमें। ऑलराइट, थैंक यू। यस नहीं, ये जो ज़ी रिश्ते का ये जो नया कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम सभी लोग, सभी आर्टिस्ट बहुत एक्साइटेड है और रोका भी, मेहंदी भी, धीरे धीरे सारे फंक्शंस होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी देखते हैं दर्शकों ने जिसको भी पसंद किया है वो पता चल जाएगा। नहीं, जो जैसा कि शादी का माहौल है तो शादी में जो ठीक लगे वैसा ही कुछ पहना है। थैंक यू सो मच। शादी कर रहे हैं, हम लोग शादी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो इंडियन एथनिक पहनना था और तो आई एम वेयरिंग अ साड़ी विच इज़ आई थिंक द सेफेस्ट एंड द बेस्ट फॉर अ वेडिंग। उसमें थोड़ा मैंने ऐड किया है, दिस इज़ आई एम वेयरिंग अ नथ विच इज़ वेरी टिपिकल ऑफ अ मराठी कल्चर एंड आई लव वेयरिंग इट। शो में मुझे पहनने को नहीं मिलता इसलिए मैंने ये चांस लिया। शादी का कंसेप्ट, येस। सो आई वुड रियली लाइक टू से दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड ऑफ ज़ी, वेदर इट बी ज़ी हिंदी, ज़ी मराठी, वॉट एवर, बिकॉज ज़ी हैज़ ऑलवेज कंसिडर्ड द टेक्नीशियंस और द आर्टिस्ट द पार्ट ऑफ द शो एज देयर फैमिली ऑलवेज। और आज इस फैमिली को लेके किसी की शादी करवा रहे, सो इट्स सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट, आई डोंट थिंक एनीबडी कुड हैव थॉट ऑफ इट, यू नो। सो अगेन
you know, that feeling of being a part of ZEE family is very, what do you say, good. And I'm feeling very happy about it. Mere liye pehla ZEE Rishtey Awards hai, so again, I'm more excited about it. Thank you so much. बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज़ जी के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है मेरा, पवित्र रिश्ता कहो, ये वादा रहा को, और ये तीसरा शो आज तुझसे राबता जिसके लिए हम सब आए हैं। ये रिश्तों का एक सेलिब्रेशन है, रिश्ते नातों का सेलिब्रेशन है, तो बहुत मज़ा आता है। काफ़ी लोग सारे एक्टर्स एक ही छत के नीचे सब मिलते हैं, तो वी आर होपिंग फॉर वेरी गुड नॉमिनेशन दिस ईयर। या बिकॉज ये देशमुख फैमिली हमारी मराठी बेस्ड शो है और मैं खुद महाराष्ट्र हूँ, तो कोल्हापुर की जो कोल्हापुरी चप्पल होती है वो मैं खास करके पहन के आया हूँ। बिकॉज कोल्हापुरी चप्पल आप जानते होंगे बहुत ही खासियत है उनकी, आवाज़ भी कुछ करती है, उसको विंसू बोलते हैं, तो आवाज़ करने वाली भी होती हैं। और ये टिपिकल एक अलग डिज़ाइन मैंने चूज़ किया, मुझे बहुत पसंद आया, तो धोती जैसा एक नीचे है और आप बीन वेयरिंग कोल्हापुरी चप्पल्स टुडे। बहुत एक्साइटेड बिकॉज हमारे पूरी देशमुख फैमिली बहुत अच्छी है, और देशमुख फैमिली में दादी भी है, दादा भी हैं, बहुएं हैं, और एक एक अलग से रिश्ते नातों का ही हमारा ये शो है, जैसे कहते हैं तुझसे राबता, जो जो टैगलाइन है कि दो अजनबियों की कहानी और माँ बेटी है, दो अजनबी हैं उनको निभानी है, ये रिश्ता निभाना है, तो लेट्स सी, बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लुक के बारे में बताऊं तो वैसे मुझसे अपनी तारीफ होती नहीं है, पर हर बार मुझे फोर्स किया जाता है अपने लुक के बारे में बताओ, सो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल ड्रेस बाय पारुल गांधी, एंड क्योंकि हमारे शूट वाले बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी में कल ही मुझे डिलीवर हुई, एंड ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये छोटे से नहीं, काफ़ी लंबे से इयर रिंग्स मेरे लिए। येस आई एम वेरी एक्साइटेड, एक तो ये मेरा पहला अवार्ड शो होगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड दूसरा पहली बार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो शादियों में तो वैसे हर किसी को जाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एक्साइटिंग लगता है, एंड मंच पे शादी होगी, जी के मंच पे शादी होगी, तो ये और भी डबल एक्साइटमेंट बढ़ गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कपल एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता था मैंने ही अपनी शादी के बहुत सारे सपने सजाए हैं, बट दिस इज द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। टाइम ही नहीं मिलता है, प्रोडक्शन इज नॉट गिविंग अस टाइम, हमें अपना ही एपिसोड नहीं देखने का टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, मतलब जब मैंने सुना कि रियल में किसी का रोका हो रहा है तो मैंने कहा वाह, और साथ में नॉमिनेशंस हैं तो सोने पे सुहागा हो गया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। उसी के लिए तो ज़्यादा एक्साइटेड तो पता नहीं, अभी शायद फेवरेट भाभी में नॉमिनेशन हो, आइडिया नहीं है बट पवित्र रिश्ता के समय था तो सोच रही हूँ कुमकुम भाग्य में भी शायद मिल जाए। वो पहले भी छाए हुए थे, भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी लाइफ जिस तरह जीना चाहते हैं सबको हक है। थैंक यू। Yep. So of course this is first time in the nomination party ho rahi hai, so of course bahut excited hu main iska part hu, and of course bahut sari cheeze expect ki hain, let's see andar jaane ke baad kya kya hone wala hai. Ha, roke ke bare mein hi batayenge. मुझे तो उनसे मिलना जिनका रोका है, मैंने उनको देखा भी नहीं है, एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट देम, बहुत एक्साइटेड और बहुत ही डिफरेंट यू नो इवेंट है ये, तो आई एम एक्साइटेड, और देखना है मुझे कौन है वो जिनका रोका है और जिनके रोके में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं।
लुक तो ऑलरेडी डिसाइडेड था. इट्स अ रोका सेरेमनी एंड अ नॉमिनेशन पार्टी, सो इंडियन अटायर. मैं तो अपने शो में बहुत सारा अनारकली पहनती हूँ, तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे साड़ी पहनने का मौका मिला. सो आई एम अच्छा लग रहा है साड़ी पहन के वापस से अपने दोबारा लुक में आने को. अभी फिलहाल मैं सच बताऊं तो मुझे तो टाइम नहीं मिला है, तो मैं तो अभी तक कुछ नहीं देख पाया हूं, बट फॉर श्योर मैं ज्वाइन करूंगा बहुत जल्द. लाइक वाइज, हम लोग की शूट ही 10:30 तक चलती रहती है, तो घर पहुंचते पहुंचते नहीं देख पाते हैं, बट श्योरली आई विल वॉच इट. थैंक यू. थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ. पता चलेगा अंदर कौन कौन नॉमिनेटेड है. पूरे साल की मेहनत जाकर आज रंग लाती है, तो रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड. पाँच मिनट. पर जाने से पहले आप लोगों ने हमें रोका. They're just fake laughing at my joke. So it feels very nice. It's really, really I'm really excited to be here because the couple is lovely. We've shot a couple of days with them. दोनों बहुत ही मस्त हैं, मस्त मिजाज के हैं. उनके साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है और आज भी अंदर बहुत मस्ती होने वाली है. I love him. Best thing. Yeah. Okay. 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 बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अमेजिंग थीम है इतनी. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. या ये कॉन्सेप्ट इज लुकिंग ब्यूटीफुल. मत पूछो, बहुत टाइम. हमें बहुत टाइम लगा, ये लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे हमारे लिए. और या yeah.
के लिए देखें। और टाइम लगा लेकिन आप देख सकते हैं टाइम लगा लेकिन कितनी अच्छी दिख रही है रुचि। ओके कुछ नहीं, ये बेबी पिंक कलर का ड्रेस है, बहुत पसंद है मुझे बेबी पिंक कलर, और बहुत एफर्ट्स लेके हमारी हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरा हेयर स्टाइल भी किया है। सिंस लुक हैड टू बी एथनिक, तो हमने एक्चुअली हमने थोड़ा सोचा भी था कि क्या थोड़ा हमने सोचा था कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, एक्चुअली हो भी रहा है, पिंक पहना है इन्होंने, ब्लैक एंड पिंक, ब्लैक पहना है तो गो वेल टुगेदर। सॉरी जी, मैं अनूप जलोटा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो बचपन से, मैं दिल्ली से हूँ तो उनके बहुत भजन हमारे घर में बचपन से सुनते आ रहा हूँ, तो बाकी इसके अलावा तो मुझे ज़्यादा बिग बॉस मैंने मैंने अभी तक देखा नहीं है बिग बॉस, बट मैं देखूँगा तो ज़रूर बताऊँगा आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। पहले तो जिनका रोका होने वाला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, दूसरा मैं जी को बोलूँगी मेरे लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढो, मेरा भी रोका करो। तीसरा मैं कहूँगी आई एम गोइंग टू कॉन्ग्रेच ऑल ऑफ द पीपल जो नॉमिनेशंस में आए हैं, और पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लेके जी आया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी नर्वस टू जी जी बिल्कुल, मैंने बिग बॉस के एपिसोड देखे एंड आई एम बैंग ऑन, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट जलोटा जी, और दो शब्द उनके लिए कहना चाहूँगी, लगा चुनरी में दाग, तो आई थिंक ब्यूटी के स्टाइल में मैंने आपको बताया, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं जलोटा जी को बहुत फॉलो कर रही हूँ जैसे मैंने बताया, और मुझे लव स्टोरी देखनी है। येस आई वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट माई लुक बिकॉज आई एम नॉट दैट इंडियन इंडियन टाइप, बहुत टफ होता है मेरे लिए इंडियन कपड़े ढूंढने, लेकिन मुझे फाइनली अपनी अलमारी में मिल गया, सो येस थैंक यू। रियली एक्साइटेड, रियली हैप्पी बिकॉज अब तक आई वुड से 4-5 सालों से मैं ज़ी रिश्ते अवार्ड्स अटेंड कर रही हूँ, बट आई थिंक नॉमिनेशंस पार्टी पहली बार हो रही है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। आई हैवंट वॉच्ड इट, वेल मैं ये देखना बाकी है मुझे, सो आई थिंक एक बार मैं देख लूँ उसके बाद ही मैं कुछ इस पर कमेंट कर पाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू।
रियल लाइफ कैरेक्टर, गुड बॉय बन के नहीं, मैं ऑलरेडी गुड बॉय हूँ सो बनने की ज़रूरत नहीं है. मैं 1% भी पृथ्वी की तरह नहीं हूँ सो हाँ पृथ्वी बन के भी नहीं आया हूँ और आज मैं संजय बनकर आया हूँ. संजय बनकर नहीं आया हूँ, संजय ही हूँ मैं. सो या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई होप कि मैं नॉमिनेटेड हूँ ज़ी रिश्ते अवार्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है. हर दिन बस यही ट्राई करता हूँ कि ऑडियंसेस को एंटरटेन करूँ, जी जान लगा देता हूँ हर सीन में, ताकि ऑडियंसेस मेरे सीन्स देखकर एंटरटेन हो जाए. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज़ी रिश्ते अवार्ड्स के लिए. ऑनेस्टली मैंने अभी तक बिग बॉस देखा नहीं है इस सीज़न का, बिकॉज गणपति एपिसोड हमारे 4 घंटे का था, तो बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा था, तो अभी तक मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है बिग बॉस का. थैंक यू. विच कैमरा दिस वन? सेंटर. हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि बड़ा, हम लोग जब मैंने आज पिक्चर डाली है तो सब बोल रहे थे कि आज इवेंट है, बट ये नॉमिनेशन इवेंट है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय ज़ी कि ऐसा उन्होंने इवेंट किया है, और बहुत ही एक्साइटमेंट होगी सबको सुनने के लिए कौन नॉमिनेटेड है कौन नहीं है. एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन नाइट. यार आई डोंट नो यार, दीज थिंग्स डोंट रियली बॉदर मी, बट मेरी टीम को नॉमिनेशन मिले, हमारे शो को अच्छा नॉमिनेशन मिले, हमारे शो से बहुत सारे लोग अवार्ड जीते, तो वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी नॉमिनेशन होगी. बिग बॉस 12 आया आई थिंक, एंड 12 साल से ऐसी चला, कंट्रोवर्सी तो होगी, वो शो ही कंट्रोवर्सी है, एक फन एलिमेंट है जहाँ ये सब चीज़ें होती ही होती हैं. सो आई मीन बिग बॉस इज़ अ बिग शो यार, सलमान सर इज़ होस्टिंग इट, सो आई एम श्योर इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट. विच इज़ हाँ, ऑफकोर्स आई नो हिम, बट आई स्वेयर आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. आई हैव नॉट फॉलोड द शो येट, अभी तो बहुत ही जल्दी शुरू हुआ, आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ शो को शुरू हुए. सो जब मैं देखना शुरू करूँगा तब मुझे पता लगेगा कि मेरे फेवरेट कौन है, क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या नहीं हो रहा. फिलहाल तो हम लोग अपने शो में ही बहुत बिजी थे, हमारा गणपति का इवेंट चल रहा था जो इस बार हम लोगों ने होस्ट किया, सो उसी में बहुत बिजी थे. थैंक यू. सॉरी, कब हम पिक्चर क्लिक कर रहे हैं? Thank you.
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार लाइव रोका हो रहा है किसी एक्चुअल कपल का, और पहली बार जी ने नॉमिनेशन पार्टी रखी है, सो आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड. क्योंकि थीम ही शादी है तो मैंने सोचा कि लहंगे से अच्छा और क्या आउटफिट हो सकता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव वोन दिस ब्यूटीफुल लहंगा विच इज स्टाइल्ड बाय माय वेरी डियर फ्रेंड नेहा. सो अब आई डोंट नो किस कैटेगरी में मेरा नॉमिनेशन आएगा, क्योंकि पिछली बार मुझे और समीर को बेस्ट जोड़ी का नॉमिनेशन मिला था, नई जोड़ी का. सो तो ये जो हमारे हीरो हैं इनके साथ हमारी नई जोड़ी नॉमिनेशन पिछले साल हुई थी, एंड वी एक्सपेक्ट कि इस साल भी हो. नई नहीं हो सकते हम लोग, बट हम होप करेंगे कि नई पुरानी फेवरेट जोड़ी में नहीं, इनको फेवरेट बेटी मिल सकता है, बहन मिल सकता है, एक अवार्ड तो ये जीत के जाएंगी, मेरी गट फीलिंग कहती है. नटखट बहन नहीं जी, मैंने एक दो एपिसोड देखे हैं बिग बॉस के, और आई थिंक इस बार काफ़ी क्या कहते हैं नॉन सेलिब्रिटीज़ लोग काफ़ी आए हैं बिग बॉस में, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. मतलब डे वन से मैं देख रही हूँ लाइक चहल पहल है, झगड़े हो रहे हैं, एंड श्रीशांत है इस बार, तो उनका भी अलग रूप देखने मिलेगा हमें. सो या अनूप जलोटा एंड जसलीन की जो जोड़ी है वो मेरी फेवरेट जोड़ी है, एंड आई थिंक एंड आई होप कि वो लोग लंबे जाए, लाइक यू नो बिग बॉस एंड तक रहे, मैं ये चाहती हूँ. सृष्टि और समीर जाएं क्या बिग बॉस में? क्या कहती है, चलें? तो मुझे झेल पाओगे बिग बॉस? अरे तुमको तो मैं पूरी जिंदगी झेल लूंगा, चले जाना वहाँ पे. थैंक यू सो मच, थैंक यू. Single boom bites, huh? Please. Really happy क्योंकि you know इस तरह की nomination parties मैंने Hollywood में देखी थी. इससे पहले you have Oscar nominations and Grammy nominations, और इस बार ZEE Rishtey Awards की nomination party है, so I'm just feeling very lucky and very special. Sorry? आई एम श्योर वो इतने स्वीट हैं दोनों के दोनों, एंड सो शाए, और मतलब तुम एकदम कुछ ऐसे दो लोगों को चूज़ करते हो जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, और अब वो हर वक्त कैमरे के सामने हैं, एंड उन इतने सारे प्यार के बीच में, बिकॉज वी जस्ट लव देम ऑलरेडी, क्योंकि हमें ऑलरेडी लग रहा है कि दे आर आर फैमिली, तो आई एम श्योर दे आर इन्जॉइंग इट अ लॉट. दोनों बहुत ही क्यूटली शर्मा के सब कुछ कर रहे हैं, बट आई कैन सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस. या एक्चुअली बिग बॉस का कोई भी एपिसोड मैं अभी तक देख नहीं पाई क्योंकि हमारे खुद के एपिसोड पूरे नहीं होते. लेकिन
first opportunity I'll get, I'll obviously catch up on it. My look, तो सबने कहा था कि ethnic है और very Indian. So I mixed a little bit of Indian and Western क्योंकि party है and I want to dance and I don't want to keep looking after my dupatta and everything. I want to be free. तो मैंने बड़ा Indo-Western सा look किया है and it's Indian because the work is Indian and I hope I'm looking decent. Thank you. Bye. थोड़ा सा तेज बोलो ना, थोड़ा तेज बोलो. मुझे क्या कहना है, सबने कह दिया, सबने. मजेदार सेरेमनी है, रियल लाइफ कपल, फर्स्ट टाइम इन इंडियन टेलीविजन रियल लाइफ पीपल आर कमिंग टुगेदर. आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट यार. इन एवरीवन्स लाइफ मैरिज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. And if they are getting on Indian television or on a national platform, and that too when Zee is actually taking care of everything, then that's you know, Zee always makes sure everything is trim and proper. So I'm, or bade innocent se log hain, you know, they are the fantastic people. So unko dekh ke bada refreshing sa lag raha hai. It's a very refreshing thing, jo ki bahut hota nahi hai aisa usual. So it's a special moment. Yaar excited hai. एक एक्टर बहुत एक्साइटेड होता है जब वो नॉमिनेट होता है, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन उसकी पूरे साल की मेहनत होती है वो उनके सामने आती है और आपको आपके काम को एक्नॉलेज किया जाता है. चाहे आपको अवार्ड मिले या ना मिले, नॉमिनेशन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ज़ी के प्लेटफॉर्म पे, जो अपने आप में काबिल तारीफ है, इतने सालों से ज़ी टीवी हम सबको एंटरटेन करता आ रहा है. सो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप नॉमिनेट भी होते हो तो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है. यार इन्होंने बोला इंडियन एथनिक, जो पहले के खरीदे हुए थे सब बाहर निकाल लिए लेकिन उनमें से कुछ पसंद नहीं आया. सो आई थिंक लुक, ज़ी रिप्रेजेंट्स इंडिया. इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग. स्लोली एंड स्टेडली हम लोग सब वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं. इंडियन एथनिक इज इज बेसिकली आ ग्राउंड, यू नो, दैट्स वॉट वी वेयर, दैट्स वॉट वी काइंड ऑफ. जब भी फंक्शन होता है घर पर तो सबसे पहले जो देखा जाता है वो इंडियन पहना जाता है, कुर्ता पजामा शेरवानी ऐसे सब कुछ पहना जाता है. तब भी ज़्यादा जो ग्रुप ब्राइड एंड ग्रूम दे प्रेफर वेयरिंग इंडियन इंडियन आउटफिट्स. सो उसको उस ऑन द लाइंस ऑफ दैट दे हैव, यू नो, वी ऑल आर ड्रेस्ड लाइक बरातीज इन, यू नो, ऑल ऑफ दैट. सो इट्स फैंटास्टिक, यू नो, टू मेक देम फील स्पेशल इन एनी वे. इट्स ऑलवेज गुड यार, इफ़ यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू समवन लाइफ जस्ट वेयरिंग अ सिंपल कॉस्ट्यूम. Then it's always special, and I would wear anything to make someone feel special. Thank you.
यहाँ से फूल ले लो। हट की प्रोसेस है या आई थिंक इट्स वेरी कूल यार दिस टाइम रियल लाइफ कपल की शादी है एंड वी प्लेइंग अ रियल कपल एंड इट्स सो मच फन वॉचिंग देम ऑन स्टेज ये जो थीम है आई थिंक इट्स वेरी कूल यार ऑनेस्टली एंड ऑब्वियसली वी नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट जोड़ी विच ईशा इज़ वेरी मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन नहीं है आई वॉन्ट टू विन द अवार्ड सो प्लीज यस ऑफ कोर्स वी वर्क वेरी हार्ड गॉट अ लवली एक्ट्रेस हियर सो यस फिंगर्स क्रॉस अच्छा वही प्रिटी लग रहा है वही हैंडसम लग रहा है सो हम दोनों के डिज़ाइनर सेम है जो हमारे शो को स्टाइल करते हैं स्टाइलिस्ट एमी देसाई एंड ये जो पहना है हम दोनों ने लिबास का है बाय रियाज बाय रियाज गांग जी सो चॉइस ये वाली मेरी थी और अदनान आई हैड नो से एब्सोल्युटली बिकॉज़ एमी इज वंडरफुल Amy, if you're listening, this is amazing. I love what you've done. Thank you. It was my choice. It was her choice. Okay. It's okay. Actually, I'll be honest. मैंने कुछ clippings आती हैं अगर आप Instagram पे हो तो वो मैं थोड़ी बहुत देखती हूँ और मेरी मॉम को पसंद है बिग बॉस मुझे टाइम नहीं मिलता तो अनूप जलोटा एंड या आई नो कि आप किस बारे में बात कर रहे हो बट वो उनकी पर्सनल लाइफ है इफ़ ही 65 एंड हिज गर्लफ्रेंड इज 20 28 व्हाटएवर तो डजंट मैटर वो उनकी हाँ उनकी लाइफ है इट्स ओके बट या एंटरटेनमेंट है फुल ऑन एंटरटेनमेंट है आई लाइक सलमान तो मैं उनकी वजह से कभी कभार देख लेती हूँ बट ये सीजन मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ आई जस्ट नो दिस बिकॉज मैं हेडलाइंस पढ़ लेती हूँ सो आई नो अनूप जलोटा एंड हिज गर्लफ्रेंड थैंक यू No, your fault. हम लोगों ने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया अबाउट द कॉम्बिनेशन की क्या कॉम्बिनेशन पहनेंगे एंड ऑल बट डेफिनेटली आई चोज द कलर ऑफ हर गाउन ये मेरा फेवरेट कलर है सो आई सेड ओके लेट्स गो फॉर सी ग्रीन दिस टाइम एंड ऑब्वियसली ब्लैक इज माय फेवरेट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन ब्लैक एंड आई ऑलवेज पेयर माय कॉस्ट्यूम्स विद ग्लासेस डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स एंड ऑल सो आई एम हैप्पी आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या Of course, him. क्या आपने दिल खोल के अपनी खूबसूरती यार मैं आपको बता रहा हूँ बॉम्बे का ट्रैफिक में ना आपको सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छी होती है इससे बॉम्बे के ट्रैफिक के बारे में यही चीज़ अच्छी है कि आपको यहाँ पे आने में एक घंटा लगा उस एक घंटे में मैंने कितने कॉम्प्लीमेंट दिए उससे हमें बहुत टाइम मिला अरे यार yesterday I was watching him performing as a king
I think he's doing a great job. He was singing also as a king. He was performing as a king. And he was distributing roses to the beautiful ladies around. So he's having fun, I think. Yeah, main itna nahi dekhta. I'm quite busy with my Kundali Bhagya right now. But jab bhi thoda time milta, you know, while switching over the channels and all, I do watch it. Yeah, mujhe pata hi nahi hai ki is baar exactly kitne commoners hain aur kitne celebrities hain, because I haven't watched it completely. So let me get back to you. Yeah, thank you. बहुत मज़ा आया क्योंकि वैसे तो हम सिर्फ ज़ी रिश्ते अवार्ड्स में मिलते हैं, बट ये नॉमिनेशन पार्टी थी तो सब लोग अपने अपने शोज़ में इतने पड़े होते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता दूसरे शोज़ के लोगों को मिलने का, और हम सब मिले आज. हम सब ने थैंक्स टू द कपल, हम सब ने डांस भी किया स्टेज पर, सारी फैमिलीज भी आई, हमने टग ऑफ वॉर भी खेला, मज़ा आया. हाँ, अभी चालू हुआ है, अभी तो मौका नहीं मिला है क्योंकि हमारे भी शोज में महा एपिसोड्स वगैरह चल रहे थे, बट डेफिनेटली करूँगी. नहीं, अभी तो मैं नहीं देख पाई. टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा बिकॉज मेरी डिज़ाइनर है निधि एंड अनु, उन्होंने मुझे एक दो ऑप्शंस दिए एंड मैंने चूज़ कर लिया, दे आर वेरी गुड. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई, थैंक्स टू देम. थैंक यू.